जय जिनेंद्र ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द 44th क्लास ऑफ सी ए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम सी ए लविश पूर्वी। सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट येट डन एंड प्रेस द बेल आइकन सो एज टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर न्यू वीडियोस। सो कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 4, कमिंग टू पेज नंबर 4.26, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर। सो द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल is important for the auditor because examination and evaluation karna internal control ko is inseparable part of overall audit program. Overall audit program matlab jo hum logon ne pehle dekha tha ki audit program banate hain audit plan aur audit strategy wale chapter mein, to wahan par jo audit program banta hai usme pura detail diya jata hai ki audit kaise kaise perform hogi. To internal control ko examined aur evaluate kare bina wo audit program banana is इम्पॉसिबल, या फिर बोल सकते हैं कि वो इनएक्यूरेट बनेगा जो ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पर ऑडिटर को ये इवेल्यूएट क्यों करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल को, बिकॉज ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एडुकेट है कि नहीं है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जो अकाउंटिंग में मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड जैसे होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं। सो ये एश्योरेंस वो इंटरनल कंट्रोल की मदद से ईजिली ले सकता है। अगर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे इसका मतलब इन्फॉर्मेशन सही रिकॉर्ड हुई है, तो अकॉर्डिंगली उसको वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। लेकिन अब इसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि एंड इंटरनल कंट्रोल की स्टडी भी करनी होगी और इवेल्यूएट करना होगा, बिकॉज इसी बेसिस पे तो ऑडिटर अपन का उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट अदर प्रोसीजर्स का डिसाइड कर पाएगा। तो इसके लिए इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑडिटर के लिए। अब यहाँ पर ये बेनिफिट्स दे रखे हैं ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो रिव्यू करेगा, वो रिव्यू या फिर इवेल्यूएट दोनों सेम ही बोलते हैं, तो रिव्यू करेगा जब इंटरनल कंट्रोल को, तो ये ऑडिटर को कैसे बेनिफिट करेगा, या तो ये ऐसे बेनिफिट करेगा दैट इट विल इनेबल द ऑडिटर, मतलब कि ऑडिटर को क्या बेनिफिट्स होंगे। पहला कि जो फ्रॉड और एरर है आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, अगर कंट्रोल्स ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे होंगे तो एरर और फ्रॉड इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। दूसरा क्या बेनिफिट है ऑडिटर को, उसको ये पता लगेगा कि एडुकेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज़ में है कि नहीं है और वो ऑपरेट भी कर रहा है क्या एज़ पर प्लान बाय द मैनेजमेंट, मतलब कि जो प्लान मैनेजमेंट ने करा था कि इंटरनल कंट्रोल ऐसे ऑपरेट होने चाहिए वो ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके बाद तीसरा ऑडिटर को क्या पता लगेगा इवेल्यूएट करने से इंटरनल कंट्रोल्स को, कि इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट जो है वो इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग और नॉट, मतलब कि जो इंटरनल ऑडिट का जो एक डिपार्टमेंट होता है जो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करता है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद फोर्थ वन इज वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैज अ बियरिंग ऑन हिज वर्क, ऑन हिज वर्क मतलब ऑन ऑडिटर्स वर्क, जैसे कि अगर कंट्रोल्स ओवर द रिक्रूटमेंट एंड इनरोलमेंट इज वीक, मतलब जो पर्सनल्स को रिक्रूट करते हैं और इनको इनरोल करते हैं वो अगर वो वाला जो सिस्टम है वो वीक है, तो देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ डमी नेम्स बीइंग इंक्लूडेड इन द वेज शीट, मतलब कि वहाँ पर किसी भी जने का नाम लिख सकते कि हाँ ये हमारी कंपनी में एम्प्लॉई है लेकिन एक्चुअल में वो डमी वर्कर हो, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर फ्रॉड होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये किस कारण से हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के कारण से। तो वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज़ अ बियरिंग ऑन ऑडिटर्स वर्क। उसके बाद फिफ्थ बेनिफिट इज कि ये जो कंट्रोल्स हैं वो एडिक्वेटली सेफगार्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एसेट्स को, मतलब कि एसेट्स जो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते, या फिर वो जो एसेट्स हैं वो कंपनी के नाम पे ही हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेंगी या फिर कैसे सेफगार्ड करेंगे एसेट्स को थ्रू दीज कंट्रोल्स, तो वो ऑडिटर उस चीज़ को इवेल्यूएट कर सकता है। उसके बाद हाउ फार एंड हाउ एडुकेटली मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन इन सो फार एज़ फार करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो मैनेजमेंट उसमें उसके फंक्शंस को कैसे डिस्चार्ज कर रहा है, कि मैनेजमेंट का प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं है, वो सब भी जब वो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूएट करेगा तब उसको इन चीज़ों का पता लग सकता है। तो इस तरीके से ये उसे बेनिफिट कर रहा है। उसके बाद सेवेंथ बेनिफिट इज हाउ रिलायबल रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द मैनेजमेंट कैन बी, मतलब कि ये जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल वो कितने रिलायबल हैं वो पता लग सकता है ऑडिटर को। उसके बाद एक्सटेंड एंड डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन डेट नीड्स टू कैरी आउट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज जहाँ इंटरनल कंट्रोल्स वीक है वहाँ ज़्यादा एक्सटेंड एंड डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होगा, तो ये कभी पता लगेगा कि वीक है कि नहीं है जब वो इवेल्यूएट करेगा इंटरनल कंट्रोल को। एंड उसके बाद
what would be the appropriate audit technique and audit procedure in the given circumstances. अगर appropriate audit technique और audit procedure depend करेगा कि अगर internal control weak है, operate कर रहा है effectively या फिर नहीं कर रहा उसके basis पे ही. उसके बाद what are the areas where control is weak and where it is excessive, ये भी तभी पता लगेगा जब internal control auditor evaluate करेगा या फिर review करेगा कि internal control की understanding लेगा. एंड लास्ट वन इज वेदर सम वर्थवाइल सजेशंस कैन बी गिवन टू इम्प्रूव द कंट्रोल सिस्टम. ये भी सजेशंस देने कि नहीं देने या फिर कुछ मैनेजमेंट को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, ये भी तभी दे पाएगा ऑडिटर जब उसको जब वो इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट करेगा. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि अगर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करेगा तो फिर ये उसको फ़ायदा करेंगे. मतलब इन इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को मिल सकती है या फिर इस तरीके से ऑडिटर को बेनिफिट होगा. अब फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल. अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज इनसेपरेबल पार्ट व्हाइल फॉर्मिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. अब यहाँ पर जो ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऑडिट प्रोग्राम अगर बिना इंटरनल कंट्रोल के भी मे बी ऑडिटर बना सकता है, लेकिन वहाँ पर फिर कुछ दिक्कतें आएंगी ऑडिटर को. तो यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम तभी बना सकते हैं जब उसने इंटरनल कंट्रोल एंड उसके ऑपरेशंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग ली हो. एंड अगर वो बिना इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग के ऑडिट प्रोग्राम बनाता है देन वो बहुत बड़ा और या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बनेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा एंड उससे ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है क्योंकि वो ट्रांजेक्शन्स और वाउचिंग वेरिफिकेशन इसमें ही उलझ के रह जाएगा. तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू नो वेदर द सिस्टम इज़ एक्चुअली इन ऑपरेशन और नॉट, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्चुअल में ऑपरेशन में है भी कि नहीं है, तो ये उसको जानना बहुत ज़रूरी है. ऑफन आफ्टर इंस्टॉलेशन, मतलब कि जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन क्या होता है मैनेजमेंट है ना प्रॉपर फॉलोअप नहीं करती. प्रॉपर फॉलोअप मतलब रिव्यू नहीं करती या फिर लास्ट में फॉलोअप होता है फीडबैक लेना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि उसका कंप्लायंस देख सके कि वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो उस चीज़ का फॉलोअप जो है वो मैनेजमेंट नहीं लेती. तो उस केस में ऑडिटर क्या होता है कि वो उस सिस्टम पे बिलीव कर रहा है, उस सिस्टम पे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा है लेकिन जिसका फॉलोअप नहीं लिया उस पे बिलीव कर लेता है, विच इन रियलिटी में नॉट बी ऑल टुगेदर इन ऑपरेशन, लेकिन वो तो ऑपरेशन में है ही नहीं और मैं ऑपरेट विद पार्शियलिटी, मतलब कि पार्शियली ऑपरेट हो रहा है, पार्शियली मतलब कि इम्प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो रहा है. तो उस केस में दिस इज द प्रोबेबली द वर्स्ट केस दैट द ऑडिटर में कम अक्रॉस, क्योंकि इस केस में ऑडिटर के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिलाय करने का तो ऑप्शन नहीं रहता लेकिन फिर भी वो कर रहा है. एंड ही वुड बी इन द माइंड मिडस्ट ऑफ कन्फ्यूजन इफ ही डज नॉट टेक केयर ऑफ, और अगर उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा किस कंट्रोल पे बिलीव करे किस पे ना करे. तो इट वुड बी बेटर इफ द ऑडिटर कैन अंडरटेक रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो इससे क्या होगा, दिस विल गिव हिम इनफ टाइम टू एसिमिलेट द कंट्रोल्स एंड इम्प्लीकेशंस एंड विल इनेबल हिम टू बी मोर ऑब्जेक्टिव इन द फ्रेमिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. तो अकॉर्डिंगली जो हम लोगों ने ऊपर चीज़ें पढ़ी थी कि अगर ऑडिट प्रोग्राम में इंटरनल कंट्रोल को नहीं देंगे तो वो ऑडिटर अपना ऑब्जेक्टिव ढंग से अचीव नहीं कर पाएगा, वो सारी चीज़ें ही अगर वो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट कर लेगा या रिव्यू कर लेगा तो वो सारे उसकी चीज़ें जो ऊपर डिसएडवांटेजेस थी या फिर जो कह सकते लिमिटेशन थी वो अचीव हो जाएंगी, ठीक है. एंड उसके बाद ही विल ऑल्सो बी इन अ पोजिशन टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट वीकनेस ऑफ द सिस्टम, क्योंकि अगर वो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर रहा है तो उसको पता है कि वीकनेस कहाँ है, तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर सकता है और सजेस्ट भी कर सकता है इम्प्रूवमेंट्स कि हाँ यहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो इंटरिम डेट्स आती है या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो असर्टेन भी कर सकता है कि ये जो वीकनेस ऑडिटर ने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करी है वो वीकनेस रिमूव हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि मैनेजमेंट ने मे बी एक्शन ही नहीं लिया हो, ऑडिटर ने उसे कम्युनिकेट कराओ, तो वो चीज़ें भी ऑडिटर पता लगा सकता है अगर उसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट कराओ एंड उसको ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो इवेल्युएट कराओ उसे ध्यान में रखाओ. उसके बाद इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स इज सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन. अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट पैरा दे रखा है, अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो इनेबल्स एन ऑडिटर टू डिसाइड अपॉन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड इन डिफरेंट एरियाज टू बी कवर्ड इन ऑडिट प्रोग्राम. मतलब ऑडिट प्रोग्राम में क्योंकि हम लोग पूरा ऑडिट कैसे परफॉर्म करनी है वो सब लिखते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट एरियाज कहाँ कहाँ पर कितने प्रोसीजर्स लगाने हैं, अब वहाँ पर जो प्रोसीजर्स लगाने हैं कितने लगाने हैं कौन सा लगाना है ये सब ऑडिटर को, मतलब अगर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेगा तो इसको आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि कहाँ पर कौन से एरिया में कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है ऑडिटर को.
तो या फिर इन अब इन सिचुएशंस में जहां ऑडिटर को कंट्रोल वीक लगता है वहां वो और प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है, या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ज़्यादा लगा सकता है, या फिर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकता है, या फिर अदर आइटम्स पे और ट्रांजेक्शन्स पे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है, जिससे कि उसको नेसेसरी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, और फिर वो अपना अकॉर्डिंगली रीजनेबल एश्योरेंस भी दे सकता है। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं इसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर एक बोला है, सबसे पहला एग्जांपल तो वेजेस का है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इज़ नॉट ऑब्जर्व बाय द ऑडिटर, बट अगर इंटरनल कंट्रोल ओवर वेजेस इज़ वीक तो देयर एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी कि डमी वर्कर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हो और उनको भी पेड कर रहे हो एंटिटी, एंड अकॉर्डिंगली फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऑडिटर माइट इंक्लूड एन ऑब्जर्वेशन ऑफ वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन इन हिज प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि उसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करके पता लगाया कि यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज वीक है। तो उससे अकॉर्डिंगली उसने क्या डिसाइड करा कि वो कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो परफॉर्म करेगा एज अ प्रोसीजर, तो उससे पता लग जाएगा उसे कि वर्कर्स हु डू नॉट टर्न अप फॉर रिसिप्ट ऑफ वेजेस आर डमी वर्कर्स, और अकॉर्डिंगली उसे पता लग जाएगा कि एंटिटी में कितने डमी वर्कर्स और कितनी वेजेस हैं जो मतलब कि फेक जाती हैं, अकॉर्डिंगली एक्सपेंस शो होती हैं। तो ये तो हो गया कि उसको मतलब प्रोसीजर परफॉर्म करने में कैसे मदद करता है अगर वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करता है। दूसरा एग्जांपल भी बहुत ईजी सा, आप पढ़ लीजिएगा, एंड उसके बाद आते हैं हम इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के मेथड्स। अभी आप लोगों ने पढ़ा ऊपर बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अब ये इवेल्युएट कैसे करेगा ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को, ये उसके मेथड्स दे रखे हैं। तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन बी डन बाय, मतलब कि जब ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इंटरनल कंट्रोल को कैसे कर सकता है, बाय स्टडी, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो कि मैनेजमेंट ने इंस्टॉल करा है। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है डिटरमिनेशन ऑफ द कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स जो कि मैनेजमेंट ने ले डाउन करे हैं, जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स एंटिटी में लगा रखे हैं उन्हें डिटरमाइन करना कि क्या क्या लगा रखे हैं। ये कैसे पता लगेगा, बाय रीडिंग कंपनी मैनुअल्स, स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, मेकिंग सुटेबल इंक्वायरीज फ्रॉम द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटर असर्टेन भी कर सकता है कैरेक्टर स्कोप एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने और इंक्वायरीज करने के बाद तो वो उसे पता लग ही सकता है कि कंट्रोल जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है उसका कैरेक्टर क्या है, उसका स्कोप क्या है, कितने हद तक इफेक्टिव है और उसकी एफिकेसी क्या है। उसके बाद मैनी केसेस में क्या होता है कि वेरी लिटिल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन राइटिंग, मतलब कि सब ओरली कम्युनिकेशन वर्क के थ्रू ही कंट्रोल्स परफॉर्म होते हैं। तो ऑडिटर को मतलब पूछना पड़ेगा राइट पीपल द राइट क्वेश्चन, मतलब सही जने से सही चीज़ पूछनी पड़ेगी अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको सही जने से सही चीज़ पूछनी पड़ेगी। और इट वुड बी बेटर इफ़ ही मेक्स अ रिटर्न नोट्स ऑफ द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब वो जो पूछ रहा है ना उसकी रिटर्न नोट्स भी बना ले एंड द प्रोसीजर्स कंटेन्ड इन द मैनुअल और असर्टेन ऑन द इंक्वायरी, मतलब जो भी उसने पूछताछ करी है उसको अगर वो रिटर्न नोट्स में बना लेगा तो उसको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो याद कैसे रख पाएगा। अब इसी चीज़ के लिए कि ये जो उसने इन्फॉर्मेशन पूछी करी है उसको फैसिलिटेट दिस एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक जगह इकट्ठा करना उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि जो कि नेसेसरी है फॉर द प्रॉपर रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के लिए नेसेसरी है। तो ऑडिटर उसके लिए इनमें से कुछ भी चार मेथड्स दे रखे हैं, उनमें से कुछ भी लगा सकता है और इवेल्युएट कर सकता है अकॉर्डिंगली उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इफेक्टिवली। ये आपके अटैम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, तो आप इन्हें चारों के चारों ही याद कर लीजिएगा, इनमें से शॉर्ट नोट भी आ सकता है एंड पूरा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या क्या मेथड्स हैं जो ऑडिटर को मदद करते हैं इवेल्युएट करने में इंटरनल कंट्रोल को। इसमें फ्लो चार्ट जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बाकी के भी इंपॉर्टेंट तो हैं ही। उसके बाद फर्स्ट वन इज नैरेटिव रिकॉर्ड, सो नैरेटिव रिकॉर्ड इज कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम जो कि ऑपरेट कर रहा है एंटिटी में। तो यहाँ पर जो कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन सिस्टम मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, तो उसका कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑडिटर अपनी नोटबुक में या जो कहीं भी रिकॉर्ड जो वो बनाता है तो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का सब कुछ लिखेगा, जो भी उसने इंक्वायरी करी, जो भी उसने ऑब्जर्वेशंस दी, या फिर उसने रीपरफॉर्मेंस भी करी होगी कुछ कंट्रोल्स की, तो वो सब चीज़ें वो अपनी एक रिकॉर्ड्स में मेनटेन करके रखेगा। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स तो तभी बना सकता है वो जब उसने एक्चुअल टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन किया हो, तो इसलिए एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी
बिफोर सच रिकॉर्ड्स कैन बी डेवलप्ड. अब इट मे बी रिकमेंडेड इन केसेस, मतलब नैरेटिव रिकॉर्ड्स रिकमेंड कब करते हैं ऑडिटर को कि आप ये यूज़ करो, व्हेन नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज इन ऑपरेशन, मतलब कि कोई फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन में नहीं है. तभी तो, अगर फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होता तो वो तो मैनुअल्स और इनमें सब में मिल जाता उसे, या फिर रिटर्न में मैनेजमेंट ही उसे प्रोवाइड कर देता. लेकिन अगर कोई फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रहा और ऑडिटर को ऐसे ही ऑब्जर्व करना पड़ रहा है कि ये कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर इस चीज़ के लिए कंट्रोल है कि नहीं है, तो उस केस में ही उसके लिए नोटिंग वगैरह जो है वो रेलेवेंट रहेगी एंड वुड बी मोर सुटेड टू स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में नॉर्मली फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होता नहीं है और स्मॉल बिजनेस है तो वहाँ पर कंट्रोल्स भी कम ही होंगे, तो अकॉर्डिंगली उसके रिकॉर्ड्स, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने में, और इजीली वो उन्हें इवेल्युएट भी कर पाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को. Now the basic disadvantages of narrative records are, first है to comprehend the system in operation is quite difficult. Audit comprehend का मतलब होता है understand करना. Auditor को जो entity के अंदर internal control का system होगा उसको पूरा understanding लेने के अंदर उसको difficulty हो सकती है, तो ये narrative records का एक disadvantage हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस और गैप्स इन द सिस्टम. चलो अगर ऑडिटर ने समझ भी लिया तो समझने के बाद भी जो वीकनेसेस हैं उस सिस्टम के अंदर, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर, वो ऑडिटर को समझने के में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है नरेटिव रिकॉर्ड से, क्योंकि पूरा एक बुक की तरह एक बल्की डॉक्यूमेंट बन जाएगा ऑडिटर के लिए. लास्ट पॉइंट, टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर. अगर एंटिटी के अंदर रीशफलिंग ऑफ मैन पावर होता है तो उसके हिसाब से उसको नरेटिव रिकॉर्ड को चेंज करना पड़ेगा, तो उसके अंदर जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेगा ऑडिटर उसको डिफिकल्टी हो जाएगी उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने में. नेक्स्ट पॉइंट, अ चेकलिस्ट. सो द नेक्स्ट मेथड अ चेकलिस्ट, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ऑडिटर जो है और उसकी ऑडिट टीम होती है, तो ऑडिटर जो होता है वो ऑडिट टीम को एक चेकलिस्ट बना के देता है जिसमें क्या होते हैं सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको उस जो इंगेजमेंट टीम है या फिर जो ऑडिटर की टीम है उसको फॉलो करना होता है, और सेट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑडिट टीम जो है उन्हें आंसर करने होते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट या फिर ड्यूरिंग द ऑडिट. तो यहाँ पर दिस इज़ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच अ मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो और अ क्वेश्चन विच अ मेंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट आंसर. तो व्हेन ही कंप्लीट्स इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जब उसने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑडिटर ने ऑडिट टीम को दिए होंगे, तो ऑडिटर ऑडिट टीम ने जब इंगेजमेंट टीम जो ऑडिट है वो परफॉर्म करी होगी, उसके बाद उसने उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करा होगा या कंप्लीट करा होगा, तो उसके बाद उसको इनिशियल द स्पेस अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन, मतलब कि उसको वहाँ पर अपने साइन करने होंगे आंसर टू द चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शन. क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा इंस्ट्रक्शंस का तो फॉलो करना होता है और अकॉर्डिंगली साइन करने होंगे कि इंस्ट्रक्शन फॉलो हुआ है. अब ये जो ऑडिटर ने क्वेश्चंस दिए हैं जो कि इंगेजमेंट टीम को ऑडिट परफॉर्म करने के बाद आंसर करने की, हाँ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस चीज़ के लिए इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए ऑडिट इंगेजमेंट टीम को सबसे पहले ऑडिट परफॉर्म करनी होगी. तो आंसर टू द चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली यस नो नॉट एप्लीकेबल, मतलब मोस्टली तो यही रहते हैं. दिस इज अगेन एन ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट कैसे, जब मतलब कि ऑन द वर्क प्लेस पे ही ये इंस्ट्रक्शंस के ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जा सकते हैं. एंड इंस्ट्रक्शंस आर फ्रेम्ड हैविंग रिगार्ड टू द डिजायरेबल एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ऑडिटर इंगेजमेंट टीम को दे रहा है ये भी वो उसी बेसिस पे दे रहा है कि ये एंटिटी है तो इसमें ये कंट्रोल तो होने ही चाहिए इन इन चीज़ों के लिए, उसी बेसिस पे वो अपने इंस्ट्रक्शंस फ्रेम करेगा. जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आर टेंडर्स कॉल बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, क्योंकि जब ऑर्डर जो मतलब कि टेंडर ही नहीं आए और उससे पहले ही हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल सा हो गया. आर द परचेजेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑर्डर, मतलब कि ऑथोराइजेशन तो है ना पूरा, परचेज ऑर्डर जो है परचेज ऑर्डर का फॉर्म वो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है, परचेज ऑर्डर फॉर्म जो है वो प्री नंबर्ड है कि नहीं है, जो इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन करता है पर्सन, मतलब कि जो इन्वेंट्री का अकाउंट पूरा मेंटेन करता है रिसिप्ट और ये सब चीज़ें, तो जो जो इन्वेंट्री की कस्टडी कर रहा है या रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री इंस्पेक्शन कर रहा है या फिर परचेज कर रहा है इन्वेंट्री को वो, और जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है वो सेम तो नहीं है, बिकॉज वी नो डैट मेकर शुड नॉट बी द चेकर. तो उस केस में यहाँ पर ये चीज़ भी ऑडिटर को देखनी पड़ेगी.
उसके बाद ये जो कंप्लीट चेकलिस्ट होती है, ये जैसे इंगेजमेंट टीम ने फिल कर दी, उसके बाद जो प्रिंसिपल मैनेजर या सीनियर होता है ऑडिट टीम का, वो क्या करता है, इस कंप्लीट चेकलिस्ट को स्टडी करता है जो उन्होंने फिल करी है, और उसके बाद असर्टेन करता है कि इंटरनल कंट्रोल है वो एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, और इवेल्युएट करता है इंटरनल कंट्रोल के इम्प्लीमेंटेशन को और उनकी एफिशिएंसी को, कि वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए और उनकी एफिशिएंसी कितनी है। We are winding up this video here. If you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestions regarding the improvement of these videos, then you can post them in the comment box and we will try to resolve your queries. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. And yes, like this video also. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.